तो आज की क्लास में हम लोग सगीर अहमद बुक का कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जिसमें से हम आप लोगों को 67 तक अब तक बता दिए हैं और आज हम लोग 68 नंबर से देखेंगे। और इसमें क्या होगा कि आज थोड़ा सा जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम आपको आसान विधि बताते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे स्मार्ट वे बनाए कि आसानी से हम आंसर तक पहुंच पाए और हमारे माइंड पर प्रेशर ना पड़े और एग्जाम में समय की बचत पर कर पाए। तो देखो सबसे पहले 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि किसी कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, यदि इसकी जनसंख्या 1981 में 1,38,915 रही हो तो 1978 में क्या होगी। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर यह देखना है कि हमको जाना है पीछे, 1978 की बात कर रहा है क्या थी और 1981 का जनसंख्या दे रहा है। 78 से 81 के बीच में 3 साल का गैप है, 78 से 79, 79 से 80, 80 से 81, यानी कि समय की अगर हम बात करें तो समय हमारा 3 वर्ष की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और अगर जनसंख्या की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं, दर की बात करते हैं, तो ये 5% से ये बढ़ रही है जनसंख्या मेरा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, जनसंख्या तीसरा वर्ष का जनसंख्या दिया है 1,38,915, ठीक है। अब एक बात बताओ, 1,38,915, ठीक है। अब देखो जनरली इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको कोई बताएगा कि सर ये भी जनसंख्या भी ना कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र से ही बनता है, P/R/100/T। लेकिन अगर हम ये तरीका अपनाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो यही इसी में रह जाएंगे। कहते ना कि अगर आप लॉन्ग विधि अपना लिए, लॉन्ग तो लॉन्ग चलते जाओगे और आंसर तो आएगा लेकिन समय ही समाप्त हो जाएगा। तो ये सब रूल से नहीं बनाएंगे, जनसंख्या जो होता है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के रूल से ही बनता है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, इनिशियल फाइनल, देखो क्या करते हैं। 5% को आप लिख देना 5/100, 5 से कटा दो, 5 × 9 = 10, 1/20 हो गया। और आपको जनरली याद होगा 5% होता है 1/20, ठीक है। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट साल अगर इनिशियल और फाइनल की बात करते हैं, फर्स्ट साल अगर मेरा 20 है जनसंख्या, ये मेरा शुरुआती दौर को बताता है और ये हमारा वृद्धि को बताता है। तो दूसरा साल में 1 का वृद्धि हुआ, 21 हो गया, और इस तरह से 3 साल तक हुआ है। तो 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 वर्ष दिया है, तो 20, 21, 20, 21 तीन बार लिखेंगे, या फिर आप 20 का क्यूब कर देना, 21 का क्यूब कर देना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, 3 साल में। तो आप इस तरह 3 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है एक बार 5% की वृद्धि हो, अगले साल 10% की वृद्धि हो, फिर अगले साल 15% की वृद्धि हो, तो आपको इस तरह से लिखना है 20/20 और 1, 21, फिर अगला साल जितना है उतना लिखेंगे। तो ये तरीका आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे अगर क्वेश्चन चेंज करके दिया तो। तो देखो 20, 20, 20 अगर गुना करते तो ये हो जाता है 8,000 दूगा क्यूब, और 21 गुना करते हो तो 21 का स्क्वायर होता है 441, और फिर इसको 21 से गुना करते हो तो 1,4,4, फिर हो जाएगा 2,8,8, और इसको जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 4×2 = 6 हो जाएगा, 8×4 = 12, 8×1 = 90, 92 = 161, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, जनसंख्या जो हमारा दिया है ना वो बात का दिया है, यानी कि 1981 का दिया है, ठीक है, यानी कि ये लास्ट का दिया, तो वृद्धि होने के बाद ये है, तो इसका मतलब इसका मान हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये इनिशियल मान, प्रारंभिक मान है, ये शुरुआती मान है और ये अंतिम मान है, ठीक है, अंतिम मान ये है। प्रारंभिक और अंतिम की बात ये होता है इनिशियल और फाइनल में। तो अंतिम मान की जनसंख्या हमारा 1,38,915। अब देखो आप अगर ये सोच रहे हो कि इसको पहुंचाना है इतना में, तो आप सोचो कि इस इकाई अंक को किससे गुना करें कि 5 हो जाए, तो कहोगे सर 5 से, भैया 5 से करोगे तो 9×5 = 45, 45,000 कुछ में रह जाओगे, ठीक है, या 1,38,000, जिसका मतलब बड़ा अंक से सोचो। तो इसको 15 से अगर गुना करते हैं, 15 से गुना करते हैं, तो देखो 15×15 = 5 हासिल 1, 15×6 = 90 और 1×91 = 1 हासिल 9, 15×2 = 30 और 9×39 = 9 हासिल 3, फिर 15×9 = 35 से 135 और 3×138 इतना आ गया 15 गुना से। तो इसको भी आपको 15 से गुना कर देना चाहिए, अगर 15 से गुना कर दो 15×8 = 20 से 120 लिखेंगे और 3 जीरो डाल देंगे, 1, 2, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले जनसंख्या था हमारा 1,20,000 और अब जनसंख्या हो गया था इतना, तो हमको प्रारंभिक जनसंख्या चाहिए था तो 1,20,000 था। क्या किया फिर से समझो, 5% इसको फ्रैक्शन विधि में तोड़ दिए, वृद्धि हो रहा है तो 1/20 और 1×21 कर दिए, 20, 21, 20, 21 3 बार कर दिए। आप जनरली ये
भी कर सकते थे 20 और 21 लिख के, 20 का क्यों कर सकते थे और 21 का क्यों कर सकते थे, क्यों कर सकते थे कि 3 साल है, अगर 2 साल रहता तो स्क्वायर करते, अगर 4 साल रहता तो पावर 4 देते, कब, जब हमारा एक ही रेट से बढ़ रहा हो, एक ही रेट मैंने 5% से। तो ये देखो ये 21 का इस क्यूब जब करोगे तो कितना आया था 9261, तो ये तो हो गया अब कितने, ये 9261 का मान हमको दिया है ये 1 38 915, ये इसी का हमेशा गुणज होगा, तो ये 15 का गुणज है, तो इसका 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000, 8000 का आपको गुना 15 कर दोगे तो आंसर होगा 15 8 20 से और 30 बैठा दो आंसर हो गया। तो ये जल्दी करता है। अब ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन अगर आजार वृद्धि की बात रहे तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर इसी में कमी की चर्चा करें, मान लिया जाए बोलेगा क्या कि कमी हो रहा है तो 20 लिखेंगे और एक का कमी करेंगे 19 लिखेंगे, 3 साल रहेगा तो 3 बार लिखेंगे या फिर क्यूब करेंगे, 2 साल रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ तो बना लेना। अभी और सवाल है और सिखाते हैं आपको, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बिल्कुल यही क्वेश्चन की तरह है, आप बना सकते हो, बनाओ, ठीक है। देखो क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, 5% होता है कितना है, 5% होता है 1/20, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब अगर कहता है कि यदि उस नगर की वर्तमान जनसंख्या 185,220 है, 185,220 मेरा वर्तमान जनसंख्या है, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी उस नगर की जनसंख्या क्या थी, 3 साल पहले जाना है, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पीछे जाना, ठीक है। इसका मतलब अगर 5% है 1/20, तो पहला साल मेरा 20 रहा तो अगले साल 21 हो गया, फिर अगले साल 20 से फिर 21, फिर 20 से 21, ये चीज़ें आपको लिखने के लिए आना चाहिए। अगर ये चीज़ आप समझ जाते हो लिखने के लिए तो यकीन मानो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। 5% 1/20 लिखे हैं, बड़े वृद्धि का बात बोला तो 20 में 1 का वृद्धि, 21 फिर 20 से 21 फिर 20 से 21, ठीक है। अभी देखो 3 बार कहने का मतलब होता है 20 का क्यूब करना, और 21 का मतलब 3 बार गुना करने का मतलब होता है क्यूब करना। अगर कोई बोले 3 गुना 3 गुना 3 करो तो मतलब 3 का क्यूब करो, अगर 3 गुना 3 करो तो स्क्वायर करो। तो हम आपको इस तरह से सिखा रहे हैं ताकि अगर वो खिलवाड़ करे अलग अलग रेट दे दे तो आप आसानी से इसको सेटअप कर पाओ। तो देखो अगर हम इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 8000, लेकिन अगर हम 21 का क्यूब, देखो 21 का क्यूब याद रखोगे तो जल्दी कर पाओगे, नहीं याद होते 21 का स्क्वायर पहले करोगे 441, अभी 21 से गुना करोगे तो कितना आएगा, अभी आया था ना जी 144, हम हर बार करते ताकि आपको समझा पाए, ठीक है। 1 4 2 8 8 4 12 9281, तो 21 का क्यूब 9281 आप रट लो, अभी फिलहाल एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको सॉल्व करने में ज़्यादा मजा आएगा जब छोटा छोटा चीज़ आप याद रखते हो। तो 9281 लिख दिए। अब देखो ये तो अब का जनसंख्या, ये हमारा वर्तमान है, बढ़ा हुआ चीज़ वर्तमान होता है क्योंकि पीछे से कोई चीज़ बढ़ के हुआ है तो वर्तमान हुआ है, और ये हमारा पूर्व की बात हुआ है यानी कि इनिशियल मान और ये फाइनल मान, तो इसका मान हमको दिया हुआ है 185,220 हो गया। तो इसको आंसर करो, इसको जब गुना करोगे तो देखो दिया आंसर 9 2 18, 2 बार इसको गुना करेंगे 0 है तो 20 लगा देंगे, तो 20 से इसको गुना कर दो तो 8 2 16,000 आपका आंसर हो गया, कितना आसान था, ठीक है, क्लियर है। 9261 नहीं होगा, 9261 होगा ये, अच्छा यहाँ गलती हो गया, 4 2 6 1, क्लियर है। अरे ये सब इजीली लो, छोटा छोटा गलती हो जाता है, कोई बात नहीं, 9261 ही होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलो, एक बार फिर से समझाते हैं ध्यान से देखो, ठीक है। 1 4 2 6 8 4 12 8 9 9261, 21 का क्यूब याद रखना 9261, ठीक। अब एक बात बताते हैं, ये देखो जब इसको देख रहे हो ये हमेशा ये चीज जो देगा इसका मान गुना का देगा, उसी का गुना जो देगा, ठीक है, उल्टा पुल्टा वो दे ही नहीं सकता। तो ये देखो 9 2 9 18 जब हो रहा था 0 एक एक्स्ट्रा है तो 0 लगा के गुना कर देंगे 20 से, क्योंकि 0 लिख के 2 1 2, 6 2 9 12 की 2 2 3 4 1 5, 9 3 18 ये हो गया, तो इसको भी 20 से गुना कर दो 16,000 आंसर हो जाएगा, 3 0 और 1 0 बैठेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इतना तो आप खुद कर सकते हो, अब छोटा मोटा अगर हमसे मिस्टेक हो जाए, अरे हो जाता है जल्दी जल्दी में, लेकिन आप समझ ही सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है। सबसे पहले समझो कि हमारा पूर्व की जनसंख्या दे दिया है 8000, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है पहली वर्ष में 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि है, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो 8000 जनसंख्या है, समय बोला है 2 वर्ष, पहला साल बढ़ रहा है 10% और दूसरा साल बढ़ रहा है 20%, ये चीज़ें बोला, और 2 साल के बाद उसको जनसंख्या चाहिए।
क्लियर है। अब देखो हम इसीलिए बोले थे कि अगर इस तरह की बात रहे पहला साल 10% और 20%, 10% होता कितना है, 10% होता है 1/10, ठीक है। अगर 1/10 हो रहा है तो इसका मतलब पहले मेरा इनिशियल में 10 बढ़ा होगा, ठीक है, और फाइनल में इनिशियल 10 मान रहा होगा और 1 का वृद्धि हुआ 11 हो गया। फिर 20% कितना होता है, 20% होता है 20×5 1/5, मेरा 5 ये रहा होगा और ये बढ़ के 6 हो गया होगा, ठीक है, जो आपको गुना करना चाहिए 10×5=50। कटने लायक भी है तो कटा सकते हो, नहीं कटेगा कोई बात नहीं, ऐसे कोना को नहीं कटता, जैसे हम लिख सकते थे इसको 3 और इसको 5, ठीक है, उस तरह भी आता है इस तरह भी आएगा, और 66। अब देखो पहले का जनसंख्या 8000 है, इसका मान ये फाइनल पहले का मान ये हमारा 8000 दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना गुना है, देखो 16×5=80 होता है, ठीक है, आपको ये पता होगा दिक्कत है, बाबा बोला कि सर हमको एकदम दिक्कत होता है, तो आप ऐसे लिखना 50 यूनिट बराबर है आपका 8000, ठीक है, तो आपको 66 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है, तो 8000/50×66 ये करना है, या फिर आप इस तरह सोच सकते हो कि ये 16 से गुना हो रहा है, 16×5=80 और 10 और लगा दो 160 से गुना हो रहा है, तो इसको भी 160 से गुना कर दो, तो 0 लिख दो, 16×96=9 और 16×96=9, ठीक है, 9×4=15, 10,560 आपका आंसर हो गया। अब इस तरह करोगे तो 0 कटाओगे, 5 से कटाओगे, 5×5 3×5=30, 100 इतना फिर गुना करोगे तो आपका 10,560 आपका आंसर होगा। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि किसी देश की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 80 करोड़ है, अनुमान है कि यह जनसंख्या अगले 10 वर्ष में बढ़कर 100 करोड़ हो जाएगी, जनसंख्या की एक समान बढ़ने की दर क्या है। देखो एक समान अगर बढ़ रहा है तो 80 करोड़ है मेरा जनसंख्या और 80 करोड़ से हो जाता है 100 करोड़, ठीक है, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ध्यान से देखो, यहां से यहां बस गया 20 करोड़ बढ़ गया, 20 करोड़, अब 80 से 20 बढ़ा है ना, तो 20/80×100 करेंगे तो 20×80 25% हो रहा है, कब तक का, के साल तक, 10 साल तक, अगर एक साल का निकालेंगे, चूंकि रेट जो होता है वार्षिक होता है, तो 10 साल से इसको भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, 2.5% आपका आंसर। क्लियर है, यानी कि 2.5% एक समान बढ़ रहा है। हाँ, आपका आंसर जो दिया है 2.3 दिया है, वो गलत है, ठीक है, फिर से समझाते हैं दूसरा तरीका से। देखो अगर 100 करोड़ है, 80 करोड़ है, इसको मौखिक कैसे बनाएंगे, अगर 10% बढ़ाते हैं तो एक अंक के बाद 10.8 करोड़ बढ़ता है 10%। अब बढ़ कितना रहा है यहां से यहां तक, 20 करोड़ बढ़ रहा है, क्योंकि 80 में अगर 20 जोड़ देते हैं तो 100 करोड़ हो जाता है, ये तरीका हो जाएगा। अब देखो फिर 10% बढ़ाते हैं तो फिर 8 करोड़, अभी हमको जाना है 20 करोड़ में, अभी तक गए हैं 16 करोड़ और यहाँ 20 करोड़ है, फिर 5% बढ़ा दो, 5% बढ़ाओगे तो 4 करोड़ बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो टोटल हो जाएगा था इधर 25% और इधर हो जाएगा 20 करोड़, ठीक है, तो ये तो 25% बढ़ा है, कब तक का, 10 साल तक बढ़ा है 25%, अगर ये 10 वर्ष में अगर 25% बढ़ रहा है 10 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, तो एक वर्ष में हो जाएगा 25/10 यानी कि 2.5%, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। हाँ, अब वहां पर जो ऑप्शन दिया है आपका डी नंबर ऑप्शन से दिया है वो 2.3%, ये आपका बिल्कुल पूरी तरह गलत है, क्योंकि एक समान बढ़ रहा है, वो हर साल एक ही बढ़ रहा है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, सबसे पहली बात आपका 64,000 दिया हुआ है, 10% आपका वृद्धि हुआ है और बोला है तीन वर्ष के अंत में जनसंख्या में वृद्धि होगी, 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या की वृद्धि। अब देखो जनसंख्या की वृद्धि की चर्चा किया है ना, तो ऐसे क्वेश्चन का लैंग्वेज भी ध्यान देना, गलती नहीं कर देना, 64,000 से कितना बढ़ा ये मायने रखता है, ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को बताएं इस तरह से कि 10% होता है 1/10, यानी कि 10 से ये मेरा 11 हो गया, 10 से हमारा 11 हो गया, 10 से हमारा 11 हो गया, 10 का क्यू 1000 हो जाता है, 13 का क्यू 1331 हो जाता है, तो एक बात बताओ ये 10000 का मान है कितना, 64,000, तो ये तो हमारा 64,000 हो जाएगा। और ये आपको दूसरा तरीका भी है, ये भी बताएंगे, इसको आप 64 से गुना करोगे तो आपको इसको भी 64 से गुना करना होगा, तभी तो आपका 64,000 होगा, तो ये जब वृद्धि यहाँ पर जो आएगा ना, तो उस 64,000 में इसको घटाना पड़ेगा तब आपका आंसर होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि सर अगर मेरा 1000 मेरा यहाँ पर आ रहा है इनिशियल मान, फाइनल मान इससे कितना बढ़ा, 331 ही बढ़ा, तो अगर हम 331 को डायरेक्ट अगर 64 से गुना कर दें तो भी मेरा आंसर हो जाएगा,
क्योंकि 1000 से 1331 हुआ, कितना वृद्धि 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या की वृद्धि क्या होगी, जनसंख्या की वृद्धि कितना बढ़ा, 64,000 से कितना ज्यादा हुआ, एक्स्ट्रा कितना हुआ वो करना है। तो दोनों तरीका है, या तो इसको गुना करके 64,000 घटाना पड़े, या तो आप इसी को घटा लो। ये एक बात बताओ, इसी में ये सोच लो कि सर इसका मान तो हमको दिया हुआ है, कितना दिया है भाई, इसका मान दिया है 64,000, इनिशियल मान दिया है, तो इसको किससे गुना किया, 64 से, तो हम बोलेंगे वृद्धि, इससे ये कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हुआ है 331 यूनिट वृद्धि हुआ है, ठीक है। अगर 331 यूनिट वृद्धि हुआ है तो इसका मतलब इसका 64 गुना हमको चाहिए, तो 64 गुना इसको कर दो, इसको गुना अगर 64 करते हो तो आंसर आ जाएगा, तो 60 प्लस 4 गुना कर दो, जल्दी कर लोगे आप 64 से गुना करना है तो इसको गुना करो 0 6 6 18 6 18 19, अब फिर 4 से गुना करो, 4 4 12 4 12 13, इसको जोड़ दो, 4 4 2 8 8 3 11 9 10 11 12, इतना हो जाएगा 21,184 आंसर हो गया। तो इजी से गुना कर दिया आप, 64 से डायरेक्ट गुना करना एग्जाम में तो भी आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर आए, किसी को कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत तरीका होता है, ये नहीं कि आप यही, आप देखो 3 वर्ष है, 3 वर्ष का रेशियो आपको पढ़ाए थे, 3 वर्ष का रेशियो होता है 3:3:1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 64,000 का ये डायरेक्ट वृद्धि को ही बताएगा, ठीक है। तो 10% इसका निकालोगे तो कितना होगा, 6400, ठीक है। फिर इसका 10% निकालोगे तो कितना होगा, 640, फिर इसका 10% 64, इसको गुना करोगे 0 0 4 4 12 6 18 19, ठीक है, फिर प्लस 0 4 12 6 18 19, और फिर प्लस 64, इसको जोड़ोगे 4 0 0 4 6 2 8 0 8, देखो 84 आ रहा है, फिर आगे बढ़ो 9 और 2 9 10 11 1 हासिल 1, ठीक, फिर 1 9 1 10 11 1 हासिल 1, फिर 1 1 2, इतना आपका आंसर हो गया। तो तरीका बहुत है, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका आप रट लिए और समझ लो, तो ऐसा नहीं, बहुत तरीका होता है। तो और क्या, परसेंटेज विधि भी आपको बता दिया, ठीक है। प्रतिशत विधि से भी बना सकते हो कि 10% का मेरा 3 साल का अगर हम निकालते हैं दर, तो 10 * 30 फिर 300, ठीक है, और फिर 10 * 1000, ठीक है, और इसका 20 इसमें 310 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33.1% इसका निकाल दोगे ना, 64,000 का, 64,000 का अगर 33.1% निकालते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 0 कटाओगे, इसको गुना करोगे तो 331 * 64 कर रहे थे, वही कर रहे थे यहाँ पे, तो आंसर आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरीका जानते हैं और एक ही तरीका आपको बता रहे हैं, बता तो रहे हैं अभी एक ही तरीका, लेकिन आपको पहले एग्जाम निकालना है ना जी, एक विद्वान थोड़ा बनना है कि एग्जाम दे रहे हैं लंबा चौड़ा आके, अपना टैलेंट हम नहीं दिखाना चाहते, आपको दिखाना चाहते हैं कि आप एग्जाम भी इस तरह से बना के आंसर लाना। लेकिन अगर आप शुरू से वीडियो देखे हैं तो हर तरीका तो आपको पता चल गया होगा कि हमको इस तरह का क्वेश्चन, जब एक तरह का जनसंख्या वाला वृद्धि वाला कंपाउंड इंटरेस्ट को ही प्रदर्शित करता है, तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप सोचते वो मायने रखता है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि कोई धन उधार लेकर 121 रुपया की वार्षिक 2 किस्तों में चुकता किया गया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। देखो बताते हैं, उधार कितना धन लिया गया, किस्त दे रहा है 121 रुपया, 2 किस्त दे रहा है वो, 10% दिया है। तो देखो बात को समझना, 10% होता है कितना है, 10% 1/10 होता है, 10 का सामान था 11 लगाया, फिर 10 का सामान है 11 लगाया, 2 साल, लेकिन वो 121 दे रहा है, इसका मतलब ये मेरा किस्त होता है, ये मेरा किस्त होता है, ये किस्त होता है, तो किस्त की राशि हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब अगर वो इसको 121 टोटल दे रहा है किस्त, इसको 11 से गुना करेंगे तभी तो 121 होगा, तो इसको भी 11 से गुना कर दो, इसको भी 11 से गुना कर दो, ठीक है। जनरली स्टूडेंट क्या सोचता है बताएं, बताते हैं, जनरली वो सोचता है कि सर समझना हम क्या करना चाह रहे हैं, कि सर ये मेरा मूलधन हो गया, पी हो गया, ठीक है, ये मेरा इनिशियल मान हो गया, और वो ब्याज त्याज लगा के पहला साल 11% दिया किस्त, लेकिन दूसरा साल जैसे आते हैं तो भी ये 10 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 121 वो किस्त दे रहा है, ठीक है। अगर ये 121 किस्त दे रहा है, ये तो मेरा किस्त हो गया, तो हमको किस्त के समान हर वर्ष किस्त समान होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक बात बताओ, एक चीज़ समझ लो, फिर से समझाते हैं, देखो हम कहे इसको मूलधन, ठीक है, हर वर्ष की समान होता है, 2 वर्ष का चर्चा किया था हम, इसकी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, 2 वर्ष पहले चर्चा तो हो लो तब तो सीखोगे। तो 10 जो है ना, पहला वर्ष 10 * 11 हो गया, दूसरा साल 10 का, 2 साल है ना, 10 का स्क्वायर 100 लिखेंगे, ठीक है, और 11 का स्क्वायर 121 लिखेंगे,
हम क्वेश्चन से 121 नहीं लिख रहे हैं, हम इसको स्क्वायर से लिख रहे हैं 10 साल का, ठीक है। 3 साल रहता तो क्यूब तक चलते, ठीक है, किस्त वाला सवाल में। 4 साल रहता तो पावर 4 तक चलते। तो ये हमारा किस्त हर वर्ष किस्त समान होता है, तो यहाँ तो ये तो किस्त है 121, लेकिन इसको भी बराबर करने के लिए 11 गुना करना होगा, इधर भी 11 गुना करना होगा, क्योंकि रेशियो में दोनों तरफ बराबर होता है, इसको रेशियो डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो ये भी 121 हो गया, तो अगर हमारा मूलधन क्या था, तो देखो इसको जब गुना करोगे तो 110 हो जाएगा। ये मेरा मूलधन है, पी मेरा मूलधन है, ये मूलधन है, ये मेरा किस्त है, ठीक है, एक किस्त। तो देखो 110 हो गया और प्लस 100, 110 और 100 कितना हो जाएगा, 210 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। किस्त वाला हम पढ़ा दिए हैं, अगर आप लोगों को किस्त वाला में दिक्कत हो रहा है तो एक क्वेश्चन लिखो अपने मन से, कॉपी में लिखो, जैसे कि हम क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए 4200 रुपया की धनराशि, क्वेश्चन लिखिए, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले तब बताते हैं आपको। देखिए जैसे किस्त वाला क्वेश्चन हम लिखे हैं कि 4200 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्ष में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त याद कीजिए। अब कि हमको वार्षिक सालाना कितना किस्त देना चाहिए वो बोला है, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जितना बोला है बना सकते हो। बस एक तरीका याद रखना, 10% होता है कितना है, 10% होता है 1/10, ठीक है। 10 से 11 लिखेंगे पहला साल, ठीक है, 10 से 11 लिखेंगे पहला साल। दूसरा साल, 2 साल की चर्चा है, तो दूसरा साल में ये 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर ये 121 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको जनरली किस्त बराबर होता है हर साल, यहाँ पर ये जो है ना किस्त है हमारा, ये वाला किस्त होता है, ये मूलधन हो जाता है, ठीक है। तो 4200 रुपये की धनराशि, ये ऑलरेडी मूलधन की चर्चा किया, ये किसका चर्चा किया, मूलधन का, और हमको किस्त निकालना है। तो किस्त निकालना है तो पहले किसी एक का मान देगा, मूलधन 4200 दिया है, तो ध्यान से देखो अगर ये 121 सभी किस्त क्या बोले थे हर साल बराबर होता है, तो यहाँ 121 किस्त है, इसको भी गुना 11 कर दो तो 121 हो जाएगा, और दोनों तरफ गुना करो 11 से, ठीक है, इधर भी उधर भी, तो ये हो जाएगा 110, ठीक। अब देखो इसका मान जो होगा ये जोड़ दो, 110 और 100 तो हो जाएगा 210, ठीक है। और 210 का मान हमको मूलधन का मान दिया 4200, यहाँ लिख दो 4200, ठीक है। 21 दूना 42 हो जाएगा, 101020, ठीक है, 4200। अब इसको भी आपको किस्त में ये जो हर साल किस्त वो देगा तो इसको गुना कर दो 42 यानी 200 से, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 200 दुकान दो 24200 कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है, 2420 आएगा, गलत हो रहा है, यहाँ विशेष गुना होगा क्योंकि 2 ही 0 है, ठीक है, तो 2420 आंसर होगा, क्लियर है। और एक क्वेश्चन दे 3 साल वाला देते तब समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर इसी तरह के क्वेश्चन को मिटा के 3 साल कर देते। देखो जैसे कि देखो ये क्वेश्चन हम दे दिया, आपकी 20% दिए हैं, 1820 रुपया की धनराशि है, 20% वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्ष में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगा। तो देखो 3 साल है ना, 20% होता है कितना, 20 × 25 = 1/5, तो पहला साल 5 से 6 लिखेंगे, 25 × 36 और 5 × 125 36 × 216, ये हमारा किस्त हो गया, ये अंतिम किस्त हुआ, और इसके बराबर सभी किस्त को करना होगा क्योंकि सब साल किस्त बराबर होगा। तो इसको भी 36 से 6 से गुना करेंगे ना, 36 × 216 होगा, इसको भी 6 से गुना कर देंगे, इसको 36 से गुना करेंगे तो 216 होगा, इसको भी 36 से गुना करेंगे, और इसको गुना करके सबको जोड़ना पड़ेगा, 36 × 5 = 6 × 5 = 30, ठीक है, 3 लगेंगे, 5 × 15 = 3 × 18 = 180, इसको 6 से गुना करेंगे, 6 × 5 = 30 कीजिए, हासिल 3 × 6 = 12 × 3 = 15, इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 125, ये 125 का 125 हो गया, ये हमको मूलधन को बताता है, ये हमको किस्त को बताता है, ठीक है। इसको जोड़ लो 5 × 8 = 13 × 14 = 15 × 5, 1 × 2 = 3 × 4 = 455, और ये हो गया 216 का 216, इसको जोड़ना नहीं है, 216 216 216 216 सब 216 ही है, तो हम समझ गए। अब देखो 1820 धनराशि है, तो ये मूलधन को बताते, इसका मान हमको दिया हुआ 1820, ये किससे गुना करेगी, ये दे दे 5 × 5, देखो 4 से गुना करेंगे, 4 × 16 यानी कि 18 जाएगा ही, 4 से गुना करो, 5 × 20 = 0 हासिल 2, 5 × 20 = 22 हासिल 2, 4 × 16 = 2 = 18, बिल्कुल सही है, 4 से गुना, इसको भी 4 से गुना कर दो आंसर हो जाएगा, 6 × 24 = 4 2, 4 × 4 = 2 6 × 4 = 8, 864 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हर साल 864, वार्षिक किस्त कितना होगा 864 रुपया। तो ऐसे बनाते इस तरह के सवाल को, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, वार्षिक किस्त से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सब आपको हम सिखा दिए, और क्वेश्चन है इस तरह से अगर चाहोगे तो हम और बता सकते हैं, दिखाते हैं और क्वेश्चन आपको। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक मोबाइल खरीदा और वादा किया कि 20% की दर से 10,800 रुपया की 3 बराबर वार्षिक किस्त में चुका देगा, कितना आया, ठीक है,
मोबाइल की कीमत ज्ञात करें। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तीन बराबर वो किस्त लगा रहा है 10,800, आपको किस्त का मान यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, 20% की दर है, तो 20% कितना होता है, 20×5=100, 20% का मतलब होता है 1/5, तो पहला साल 5 रहा होगा, फिर 6 हो गया होगा किस्त के अनुसार, फिर 25×6=36, फिर 125×216, 3 साल है तो इस तरह से चलेंगे। उसके बाद हम ये सोचेंगे कि सर किस्त तो बराबर होता है, 216 अगर यहाँ अधिक मान आया है तो सबको बराबर करने के लिए इसको 6 से गुना करेंगे, 36×216 होगा, इसको भी 6 से गुना करना होगा, दोनों तरफ रेशियो बराबर, और इसको अगर 36 से गुना करेंगे तो इसको भी 36 से गुना करना होगा। अब इसको टोटल को जोड़ना पड़ेगा, 36×5=6×5=30 की 0 हासिल 3×5=18, 180, 150 और 125, 5, 8, 5, 2, 7, 7, 15, 1, 2, 3, 455। अभी देखो ध्यान से, 10,800 किस्त दिया, ये किस्त दिया, तो इसका मतलब इसका मान हमको दिया हुआ है 10,800, ठीक है। अब अगर 10,800 दिया तो ये कितना गुना होगा ये पता कर लो, अगर 9 से गुना करते तो 9×2=18 ज़्यादा हो रहा है, अगर 5 से करते तो 5×2=10, इसका मतलब 5 से ही लग रहा है सर गुना हो गया, 6×5=30, 5×5=5, 3×8 50 से गुना होगा, क्योंकि जीरो भी लगाना है एक एक्स्ट्रा, ठीक है, तो हम समझ गए कि 50 से होगा, 5×9=10, हमको समझ में आना चाहिए इतना था कि 5×2 करते तो 10 हो रहा है, इसका मतलब 50 से गुना हो गया, इसको भी आप 50 से गुना कर दो आंसर आ जाएगा, तो 0 पहले लिख दो, 5×25=5×2, 5×25=26, 27×27=7 हासिल दो, 5×20=22, 22,750 उसका मूलधन था, एक व्यक्ति ने जो एक मोबाइल खरीदा था ना इतना में खरीदा था 22,750 में, और बोला हम किस्त से देंगे, तीन बराबर किस्त 10,800 देगा, जिसमें रेट उसका 20% इंक्लूड रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन किस्त वाला आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का द एंड हो गया, ये सब क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको हम बता दिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसी तरह के क्वेश्चन को और भी लेके आएंगे, कभी कभी आपको इस तरह से हम बताते जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब जो है आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का भी हम ऑलरेडी बहुत पहले लाइव क्लास से हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं लाइव क्लास में, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो फिर से देना चाह रहा हूँ, जिसमें से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा और मज़ा आएगा। तो यहाँ तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिगेशन, यानी कि मिश्रण, और मिश्रण भी बहुत ही बेस्ट तरीका से आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। और कमेंट करो कुछ, अगर आपको मेरे लिए मेरे मैंने पढ़ाए हुए से कुछ आपको दिल में आया हो बात तो मेरे तक पहुँचाओ, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।